बड़ी खबर बेतिया अनुमंडल क्षेत्र से है, जहां जहरीली शराब पीने से मरने वालों का आंकड़ा 12 पहुंच गया है। कल 9 लोगों की मौत हुई थी और आज इलाजरत 3 लोगों की जीएमसीएच में मौत हो गई है, जिससे मरने वालों की संख्या 12 हो गई है। हालांकि एक 70 वर्षीय व्यक्ति हासिम खां की मौत को पुलिस संदिग्ध मान रही है, लेकिन उसके शव का भी पोस्टमार्टम कराया गया है। वही अभी भी जीएमसीएच में आधा दर्जन लोग भर्ती है, जिनका इलाज पुलिस प्रशासन की देखरेख में चल रहा है। कल देर रात से लेकर जिन 3 लोगों की मौत हुई है, उसमें 62 वर्षीय राम प्रकाश राम, 40 वर्षीय धनीलाल राम और 20 वर्षीय विकास कुमार शामिल है, जिनके परिजन बता रहे हैं कि सभी ने गांव में ही शराब पी थी, जिसके बाद से सभी की तबीयत बिगड़ी और इलाज के दौरान मौत हो गई है। सबसे खास बात यह है कि नौतान प्रखंड क्षेत्र में 29 नवंबर को पंचायत चुनाव होना है और प्रत्याशियों द्वारा वोटरों को शराब पिलाने का काम भी किया जा रहा है। इस मामले में भी ऐसा कुछ होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि पुलिस प्रशासन लगातार इस मामले की जांच व छापेमारी में जुट गई है। पिताजी का नाम है के तरह भेल ब मौत साहब इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक कौमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।